क्लासेस आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे और केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है और केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है। ये तीनों बात जानकर इसके प्रॉपर्टी के बेस पे मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर और मोलिक्यूल की प्रॉपर्टी को जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या है। तो कोई भी मैटर जो होता है, ये मैटर मोलिक्यूल से बना होता है। मैटर किससे बना है? मोलिक्यूल से। और ये मोलिक्यूल जो होता है, कोई भी मोलिक्यूल, वो बना होता है एटम से। ओके, तो एटम्स जो होते हैं आपस में कंबाइन करके मोलेक्यूल बनाते हैं। तो वो कंबाइन करने के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, तभी तो दो एटम एक साथ कंबाइन करेंगे। तो उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ये क्या हुआ? तो केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स टूगेदर इन मोलिक्यूल। ओके, इज द, तो ये केमिकल बॉन्ड जो हुआ, केमिकल बॉन्ड क्या हुआ एक्चुअल में? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई बंधन नहीं है रस्सी वाला, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को मोलिक्यूल में टूगेदर होल्ड करके रखता है। ओके, केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम्स टूगेदर इन अ मोलिक्यूल। अब इस एटॉमिक, ये केमिकल बॉन्ड जो है, इसके फॉर्मेशन के बारे में कि ये क्यों फॉर्म होता है, किस किस तरह का केमिकल बॉन्ड होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में चार थ्योरी आप लोग को पढ़ना है और उस चार थ्योरी को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला उसका थ्योरी है फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, ये सबसे ओल्ड है। उसके बाद वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म हुआ आपको द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नेक्स्ट थर्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड फोर्थ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इन चारों थ्योरीज के बेस पे हम लोग मोलिकुलर बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके बेस पे मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोजेल लिविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।